जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादमा और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। बहुत ही बेहतरीन बात है, बहुत ही प्राउड की, गर्व की बात है कि जिस फैमिली से हम जुड़े हैं उस फैमिली को दुनिया का नंबर वन चैनल घोषित कर दिया गया है फाइनली। ये बहुत दिनों का मुझे इंतज़ार था और अब तो एकदम सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हम इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का नंबर वन चैनल इंडियन है। तो हम हिंदुस्तानी तो सबसे आगे हैं यार। और आज के दिन, कल ईद थी और ईद के अगले दिन आज बासी ईद है, तो हमारा गाना रिलीज़ हुआ है, उसी चांस रिलीज़ हुआ है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत ही फिंगर्स क्रॉस्ड, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, होप इट डज वेल। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा या कितना चैलेंजिंग है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है मैडम, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है। पहले जब मुझे याद है कि जब मैं नया चालू हुआ था काम करना, तब मुझे लोग कहते थे कि टांग खींचते थे मेरी कि तुम छोटे से बच्चे हो, तुम क्या कर पाओगे, ये है वो है। तो मैंने हमेशा यही कि मेरा काम जवाब देता है, मैं ज़्यादा बोलता नहीं, मैं बिल्कुल साइलेंट हूँ पर्सनल लाइफ में, तो जो बोलना होता है मेरे काम में बोलना होता है। तो काम छक्के मार रहा है मेरा, तो आज भी छक्का लगाया मैंने, तो छक्का जाके देखो आप यूट्यूब पे। तो गाने के बारे में क्या बोलना? गाना बहुत ही इमोशनल गाना है। जन्नत बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है, मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी, मेरे छोटे से गाने पे थी, शी डोंट नो के गाने पे थी, छोटे से नहीं मेरे बड़े से गाने। तो तब से मेरे दिमाग में थी कि ऐसा कुछ अगर हमने लव स्टोरी टाइप करना है तो मैंने जन्नत को लेना है, मैंने जन्नत को कॉन्टैक्ट करना है। तो ऐसा मेरे पास गाना आ गया। निर्माण ने बहुत अच्छा गाना लिखा, निर्माण वो है जिसने मैं देखा तेरी फोटो, बहुत सुपर हिट गाना है, वो लिखा। और या तो तब से मैंने फिर इनके पापा को कॉन्टैक्ट किया और थिंग्स हैपेंड, हम सारे आर्मेनिया गए बोरी उस्तरा बांध के, वहाँ पे शूट किया, शूट ही बहुत बेहतरीन हुआ, देखो आप क्वालिटी देखो वीडियो की, तो बहुत ही अच्छा हुआ और शी किल्ड इट, कैमरा खा गई है एकदम। जन्नत, आप क्या बोलना चाहोगे? टी सीरीज के साथ आपका फर्स्ट वीडियो और मिलियन के साथ भी पहला काम है, क्या मैं क्या क्या बोलूँ? कितनी सारी चीज़ें यू नो बैक टू बैक इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, लाइक टी सीरीज़ नंबर वन चैनल हो गया है वर्ल्ड का और आज बासी ईद है, ये मेरा डेब्यू है टी सीरीज़ के साथ, इतना अच्छा टाइम पे हो रहा है, इतना अच्छा गाना है और मिलन का गाना है। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस गाने से जुड़े हुए हैं अभी, और बोलने में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई एक अच्छी बात नहीं, कुछ एक अच्छा मौका नहीं, इतनी सारी चीज़ें बैक टू बैक हो रही हैं और तब जाके ये गाना अब रिलीज़ हुआ है। और गाने को पहले रिलीज़ होना था बट मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा हो नहीं रहा है, बट वो बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो आई थिंक नाउ आई हैव सीन दिस एग्जांपल आल्सो कि मैं इतने टाइम से सोच रही थी यार हो नहीं रहा रिलीज़, कब होगा, बट नाउ आई नो दैट चीज़ें डिले होती हैं तो उससे बिल्कुल दिल नहीं छोटा करना चाहिए, क्योंकि जब होती हैं वो ऊपर वाला सही टाइम देख के करवाता है। तो आउट ऑफ इंडिया शूटिंग हुआ है तो इसका एक्सपीरियंस कुछ
ऑफ स्क्रीन कुछ शेयर करना चाहेंगे? ऑफ स्क्रीन हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमने जितना इमोशनल गाना है उतना ही मस्ती हमने उसको ऑपोजिट ऑफ स्क्रीन हम थे, कैमरा कट होते कई बार तो रोलिंग में ही हंस बस रहे थे, तो आई थिंक बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस रहे थ्रू आउट द जर्नी, हमने साथ में बहुत सारी चीज़ें देखी, मतलब बाहर गए थे सेट खराब हो गया तो पहले यू नो पहले सब बहुत खुश थे, फिर सडनली थोड़ा सा डाउन हो गया कि यार सेट खराब हो गया, फिर एक हो पाया कि अच्छा ठीक है अब हम शिफ्ट करके वहाँ जाएंगे, फिर ठंडी हो गई, फिर थोड़ा सा वो हो गया, सो आई थिंक कितने सारे फेसेस हमने वो दो दिन में तीन दिन में देखे yeah. शूट के दौरान. इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर, हर एक इस वीडियो से इस वीडियो में अपना हर एक इमोशंस है यार, कि हम एक्साइटेड भी थे कि हम आर्मेनिया जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं शूट करने, दूसरी कंट्री जा रहे हैं शूट करने, और इतना अच्छा कंटेंट है, इतना अच्छा स्टोरी लाइन अपने लिखा हुआ है वो शूट करने जा रहे हैं, और जब पता होना कि ये भी एक्टिंग अच्छी कर लेंगी मेरी, मैं भी थोड़ी सी थोड़ी बहुत कोशिश कर लूँगा, वहाँ पे जाके फिर सारा सेट खराब हो जाए और फिर डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, तो इट हैज़ बीन मिक्स्ड विद इमोशंस एक्चुअली, इट हैज़ बीन अ बुके ऑफ इमोशंस. या आपके बहुत सारे गाने ब्लास्ट कर चुके हैं जी, अब आपका एक्टिंग की तरफ मूवी तरफ कभी ख्याल सोच कुछ? एक्टिंग मैं बस जितनी मुझे आती है मैं कर रहा हूँ, अपनी वीडियोज़ में करता रहता हूँ, जब भी मुझे जो कीड़े निकालने मैं निकालता रहता हूँ, और लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी सीरियस प्रोजेक्ट, मुझे नॉर्मल मुझे रोमांटिक मूवीज़ करनी है एक्चुअली, जो मेरा रुझान है, जिसको जो मैं लाइक करता हूँ, तो मुझे मलयालम आती है, मलयालम भी करता, पहले हिंदी पंजाबी करूँगा. जन्नत के जितने फैंस हैं उनके लिए दिल का दरवाजा खोल दिया, तेरी मम्मी को भी बोल दिया आंटी मैंने इसको लव स्टोरी में लीड वाला रोल दिया, तेरे भाई की टेंशन नहीं है मुझे, बोल दिया मैं चाहूँ तुझे वो प्यार से माने ठीक है नहीं मेरे बाउंसर्स देखेंगे उसे, मगर तू चिंता ना कर साला अपना मान जाएगा. थैंक यू सो मच. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.